सरकार
निकोकार के पास निकियां होती हैं सरकार, निकोकार के पास सर भी खम आँख भी नौशर्म से पानी पानी या रसूल अल्लाह, सर भी खम आँख भी नौशर्म से पानी पानी, एक भिखारी है खड़ा आपके दरबार के पास, एक भिखारी है खड़ा आपके दरबार के पास, इस्तिकामत मुझे ईमान पे अता कर दीजिए, इस्तिकामत मुझे ईमान पे अता कर दीजिए, एक भिखारी है खड़ा आपके दरबार के पास, एक भिखारी है खड़ा आपके दरबार के पास, और आँख जब गुंबद खज़रा का नजारा कर ले, आँख जब गुंबद खज़रा का नजारा कर ले, दम निकल जाए मेरा काश दरियार के पास, दम निकल जाए मेरा काश दरियार के पास, इंशाअल्लाह पहुँच जाएंगे सरकार के पास, इंशाअल्लाह पहुँच जाएंगे सरकार के पास। नाज़रीन मोहतरम, आज के इस प्रोग्राम में आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ। आप नवाए रमज़ान आरपी न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से स्टैक ग्रुप ऑफ कॉलेजेस मुल्तान के ताबुन से देख रहे हैं। मैं दुनिया भर से, पाकिस्तान भर से, जहाँ जहाँ से नाज़रीन हमें सुन रहे हैं, देख रहे हैं, सबको अपने आज के इस प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। नाज़रीन मोहतरम, रमज़ानुल मुबारक तरबियत का महीना है। इस महीने में अल्लाह सुबहानहु व तआला की जानिब से मुसलमानों पर जो रहमतें, जो इनायात और जो बरकतें नाजिल होती हैं, उनको समेटने का सही और हक अदा करने का सही तरीका
यही है कि हमें इस माह मुबारक के तवस्सुत से अपने आप की तरबियत करनी है, हमें सीखना है कि हम अपने आने वाले कल को किस तरह से बेहतर कर सकते हैं। जहां हमें इबादात की कसरत करनी है, वहीं हमें साथ साथ खुद को अपने प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीकों के मुताबिक ढालने की सही करना है। हदीस मुबारक का मफहूम है कि अगर कोई शख्स रोज़ा रखकर खुद को दीगर नवाही से नहीं बचाता, जिन जिन चीज़ों के करने से इस्लाम में मना किया गया है, यानी अगर हमने अपनी आँख का रोज़ा नहीं रखा, कान का रोज़ा नहीं रखा, ज़बान का रोज़ा नहीं रखा, तो ऐसे शख्स के भूखा और प्यासा रहने की अल्लाह ताला को कोई हाजत नहीं है। तो नाज़रीन मोहतरम, जैसे कि मैंने पहले अर्ज़ किया कि जहाँ ये महीना इबादात का महीना है, जहाँ ये महीना रहमतों का महीना है, और जहाँ इस महीने के अंदर हम जो है वो तरावी की कसरत करते हैं, कुरान हकीम की कसरत करते हैं, वहीं हमें सीखना है, क्योंकि ये महीना तरबियत का महीना भी है और ये महीना सब्र का महीना है। तो हमें हमने अपने आज के इस प्रोग्राम में जिस मौजू का इंतखाब किया है, वो यकीनन आप भी मुझसे इत्तफाक करेंगे कि मौजूदा हालात में वो मौजू बहुत ज़्यादा मुतकाजी है इस चीज़ का कि इस पर गुफ्तगू की जाए, इसकी इसको अवाम व खास में आम किया जाए, और इस मामले में इस हवाले से जो हमारे दीन की तरबियत है, जो अल्लाह ताला के अहकामात हैं, और जो हमारे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, हम उसे सीखें, समझें और उसके मुताबिक खुद को ढालने की कोशिश करें। हमारे आज के प्रोग्राम का मौजू है सब्र व तहम्मुल, बर्दाश्त। हमने इस मौजू पर गुफ्तगू के लिए जिस मारूफ हस्ती को दावत गुफ्तगू दी है, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। आप मारूफ टेलीविजन एंकर भी हैं, मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में बतौर मेहमान, बतौर गेस्ट स्पीकर भी शरीक होते हैं, नेशनल और इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेज में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हैं। आप यकीनन पाकिस्तान का एक मुस्बत चेहरा हैं। हमें ऐसे ही नफूस की कसरत से आज ज़रूरत है। मेरी मुराद हैं प्रोफेसर डॉक्टर अक्रम हुरैरी साहब, आपको खुश आमदीद कहता हूँ सर अपने इस प्रोग्राम में। सबसे पहले तो ये फरमाइएगा कि रमज़ान मुबारक की आमद का जिस तरह से हम सबको इंतज़ार था, सारे मुसलमानों को इंतज़ार होता है, और फिर तरावी का शौक, अल्हम्दुलिल्लाह मसाजिद की रौनकें लौट आती हैं, जी जी बिल्कुल, और सदकात की कसरत होती है। बिल्कुल, आपकी बात को ही आगे जारी करता हूँ। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रमजान मुबारक के हवाले से औसाफ शुमार किए गए हैं जी। इनमें से हमारे टॉपिक के लिहाज से रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस मुबारक ये भी है कि वहुवा शहरु सबर, ये महीना हमें सबर सिखलाता है, तहम्मुल सिखाता है, बर्दाश्त सिखाता है। हमारी माशरती ज़िंदगी में इस अंसर का पाया जाना बहुत ही ज़रूरी है। ज़िंदगी को आगे बढ़ाने के लिए, तरक्की के सफ़र को गामजम रखने के लिए, मस्बत सोच के साथ आगे बढ़ते रहना वो तभी मुमकिन है जब हमारे अंदर ये सब्र तहम्मुल बर्दाश्त होगा। और ये अगर इसके लुगवी मानी के लिहाज से देखा जाए तो इसके लुगवी मानी कुछ इस तरह बनते हैं, जो कि उलमाए लुगत ने, उलमाए सलफ ने इसको बयान किया है कि सब्र से मुराद ये है कि हब्सुल नफ्स से मिनत तस्वीदी, कि सब्र इस चीज़ का नाम है कि जिस्म को किसी भी किस्म की नागवारी हालत में आने से रोक लिया जाए। हाँ जी, वहाब्सुल लिसानी मिन शक्वा, और जबान इस हालत में ना आए कि वो शिकवा शिकायत करती फिरे, और इसी तरह बाकी अदा के बारे में हालांकि कोई चीज अपने मिजाज के खिलाफ ही क्यों ना हो। वहाब्सुल जवार मिन तशवीद, कि इंसानी अदा को किसी भी किस्म की नाहमवारी, उलझन और परेशानी और इस तरह की कैफियत जो है वो उसे महसूस ना हो। तो इससे मालूम होता है कि सब्र इस चीज़ का नाम है कि इंसान कोई भी किसी मुसीबत का अगर सामना करता है तो वो अपने आप को हालत इत्मीनान में रखता है, किसी परेशानी में नहीं चला जाता, अफरात व तफरीत का शिकार नहीं हो जाता। तो इस चीज़ को जो है वो सब्र कहा जाता है। अब सब्र करने वाला उसका क्या मकाम है, और जो सब्र से काम नहीं लेता उसका मुआशरे में क्या मकाम रहता है, ये हमारे तजर्बात में भी चीज़ें हमें नज़र आती रहती हैं और हमें सिखलाती भी रहती हैं कि जो इंसान खामोशी से काम लेते हैं, तहम्मुल से काम लेते हैं,
किसी की ऊंच नीच की जो है वो रवैये को वो बर्दाश्त कर जाते हैं, वही इंसान आगे बढ़ते हुए हमें नजर आते हैं, और जो बेसब्री का मुजाहरा कर देते हैं, वक्ती तौर पर किसी भी सिचुएशन को फेस नहीं कर सकते, अपने जज्बात का इजहार करते हैं, वो फिर हम देखते हैं कि वो जिंदगी की दौड़ में उनका वो मकाम नहीं होता जो सब्र करने वालों का होता है। अब वो क्यों ना उनका मकाम हो, इसलिए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने कलाम हमीद में ये बात अरशाद फरमा रहे हैं कि इन्नल्लाह युहिब्बुस साबिरीन, अल्लाह सब्र करने वालों से मोहब्बत करता है। दूसरे मकाम पर अल्लाह रब्बुल इर्शाद फरमाया कि इन्नल्लाह मअस साबिरीन, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। अब हम इन दो आयात को अगर देखें, बहुत खूबसूरत अल्लाह के फरमान, मोहब्बत का तस्करा, दूसरा साथ देने का तस्करा है, और हमें और चाहिए क्या अल्लाह की माहियत के अलावा, हमें क्या चाहिए अल्लाह से, अल्लाह अगर हमसे मोहब्बत करे तो हमें और क्या चाहिए। तो ये कैसे मुमकिन है कि जिससे अल्लाह मोहब्बत कर रहा हो और जिसके साथ अल्लाह रब्बुल इज्जत हो वो कैसे पीछे रह सकता है? यकीनन उसने मुआशरे में इज्जत मांगी है, उसने आगे भी बढ़ना है, उसका मकाम भी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नुमाया करना है। तो ये कैसे मुमकिन है कि जिससे अल्लाह रब्बुल इज्जत मोहब्बत कर रहा हो, जिसका साथ अल्लाह रब्बुल इज्जत अता फरमा रहे हों, वो कैसे मुआशरे में जो है वो नाहमवारी की कैफियत में रह सकते? कई एक मकामात हैं जहाँ पे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सब्र और तहम्मुल का जिक्र फरमाया है। इंसान को परेशानियाँ आती हैं, मुश्किलात आती हैं, तो तभी सब्र का इजहार होता है ना। जब इंसान को मुश्किलात ही ना आए तो फिर इंसान कैसे कहे कि मैं साबर हूँ, मैं शाकर हूँ? अब कुरान करीम के एक आयत मुबारक है कि वाला नबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ वल जुउ वनक्स मिनल अम्वाल बस। हाँ जी, ये आयत करीमा अगर पढ़ते जाएं तो इसमें पांच चीजों का तस्करा अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया कि इंसान को भूख के साथ आजमाया जाएगा, उसको जो है वो उसके प्यारों को अल्लाह रब्बुल इज्जत फौत करेंगे, फिर इंसान का रवैया देखेंगे कि बंदे उसके जो है साथ क्या करते हैं। फलों की जरूरत है, इंसान को फल बाजार से मार्केट से गायब हो जाएंगे, तब इंसान जो है वो इस चीज का क्या मुजाहरा करता है। तो खौफ की हालत में, परेशानी की हालत में इंसान के ऊपर जो है वो तारी करके फिर आजमाया जाएगा। आखिर में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बड़ी खूबसूरत बात फरमाई है कि बशीर साबिरीन, सब्र करने वालों के लिए ही खुशखबरियां हैं। गोया कि जो इन हालात में साबर रह जाता है, सब्र करता है, अपने आप को अल्लाह की अतात व फरमाबरदारी पे कायम और दायम रखता है, अल्लाह उनके लिए खुशखबरियां ही अता फरमाते हैं। और इसके बाद अगली आयत करीमा में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये बात अर्शाद फरमाई कि ये सब्र करने वाले कौन है, ये खुशखबरियां जो है वो किन लोगों को मिलने वाली है? अच्छा, तो उनकी निशानी बताई। जी जी बिल्कुल, फरमाया कि वो लोग जिनको अगर की मुसीबत आती है, कोई मुसीबत आ जाती है, तो वो ये नहीं कहते कि हाँ जी तू दो चार गालियां निकाल देते हैं, हाँ जी अफसोस करना शुरू कर देते हैं, अपने आप को पीटना शुरू कर देते हैं, ऐसी कैफियत नहीं, बल्कि वो अपनी जबान से कहते हैं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, हम अल्लाह रब्बुल इज्जत के लिए हैं, उसी की तरफ लौट कर जाने वाले हैं, हमारा तो इसमें कोई जोर है ही नहीं। तो गोया कि उन्होंने अपनी कुव्वतों को अल्लाह रब्बुल इज्जत के साथ जो है वो जोड़ दिया कि हमारी कुव्वतें तब हैं जब अल्लाह रब्बुल इज्जत के साथ। तो गोया ये जो कैफियत बाज़ों का आती है ना कि हमें कोई भी मध्य, जैसे हम गाड़ी ड्राइव कर रहे होते हैं तो सामने से किसी ने जो है वो गलत कट मार दिया, कोई आगे आ गया तो हम उसमें जो है वो फौरन गाली निकाल लेते हैं, अमूमन ये रवैया हमें देखने सुनने को मिलता है। अब वो हमारी गाली को सुन नहीं रहा, लेकिन उस गाली की वजह से हम अल्लाह की रहमत से जो है वो दूर हो रहे हैं, खुद को दूर, हम वो सब्र का मुजाहरा नहीं कर रहे। अच्छा, बाद सिचुएशन ये होती है कि इंसान मुसीबत के भंवर में फंस जाता है और जो है वो उसके बाद वो खूब वावेला करता है, मतलब किसी की डेथ हो जाती है बच्चे की, तो वो जनाब महीनों भर जो है वो रोता करलाता रहता है, जब वो रो के थक जाता है ना फिर कहते हैं मेरा तो सब्र ही है। भाई ये सब्र नहीं है, सब्र रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बात अर्शाद फरमाई कि अस-सब्र इंदा सदमतिल उला, सब्र इस चीज का नाम है कि आपको मुसीबत ने आन लिया है तो आप फौरन जो है वो सब्र से काम ले। तो सबर जो है ये एक कम्प्रिहेंसिव जो है वो मजमून है, जिसको सीखना हमारे लिए जरूरी, बहुत जरूरी। आज हम जिस हालात से पाकिस्तान, खास तौर पे मुसलमान पूरी दुनिया में और बिलखसूस पाकिस्तान के जो इस वक्त के सियासी हालात हैं, क्या आपको लगता है कि वो कहीं ना कहीं हमारे इसी सबर के रवैये की कमी की वजह से है? अभी जो कुछ दिन पहले
पंजाब असेंबली का जो वाकया हुआ है और जो मनाजिर जी चंद दिन से ये सिलसिला एक मुसलसल चले जा रहा है और वो भी रमजान मुबारक के अंदर ये सब कुछ हो रहा है। इस दफा रमजान हमारा सियासत की नजर होता जा रहा है, हमारा कारकुन बेचारा वो रमजान की इतनी मुकद्दस अयाम और इनकी रातें हैं जी पाकीदा घड़ियां और हम इसको सियासत की नजर में नारेबाजी एक दूसरे के खिलाफ जो है वो गालम गलोच पता नहीं क्या कुछ सिचुएशन, अल्लाह हमारे हाल पर जो है वो रहम फरमाए और हमारे जो इकतदार अरबाब हलोकत हैं उनको भी कुछ सोच का दायरा वसी करना चाहिए कि असल में हमारे जो कौलोफील का तजाद है ये हमारे लिए परेशानियां खड़ी कर रहा है। हम जबान से कुछ कह रहे हैं, हमारा अमल कुछ है, हमारे जहन में जो है वो कुछ और बातें दौड़ रही होती हैं। तो यहाँ से मैं मौजूद से हट कर ये एक बात करना चाहूंगा कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो ईमान का तस्करा किया है इस ईमान से मुराद क्या है कि हम जबान से अगर जो बात कर देंगे वही ईमान होगा? नहीं, बल्कि ईमान ये है कि इकरारुम बिल लिसान तस्दीकुम बिल कलब व अमल बिल जवारे। ईमान आप जबान से जो कुछ कह रहे हैं दिल उसकी तस्दीक करें और उसके बाद आपका जो है वो पूरा जिस्म उसके तकादों को पूरा करता हुआ नजर आए। अमल बिल जवारे यानी आप अपने आदा के जरिए से वो अमल सर अंजाम दे जो आपको ईमान लाने की वजह से तकादा कर रहे। तो जो हमारे रवैये मुआशरे में नजर आ रहे हैं ये हमारे इनबैलेंस रवैये, सब्र तहमल बर्दाश्त हमारे बड़ों में नहीं है, हमारे छोटों में नहीं है, हमारे बच्चों में नहीं है, यानी खवातीन में नहीं है, बूढ़ों में नहीं है। किसी भी तबके को हम टच कर लेते हैं तो वो 110 वोल्ट का जो है वो करंट छोड़ता है फौरन, यानी रिएक्शन जो है ना वो पहले पड़ा है। तो बाजू का सिचुएशन ये है कि हमारी एक तरबियत अभी हो रही है, खुफिया तरीके से हमारी तरबियत हो रही है। वो ये है कि आप कहीं जा रहे हैं, कोई ऐसा मामला पेश आ गया है तो आप समझते हैं कि गलती मेरी नहीं, गलती उसकी है, लेकिन मैं समझता हूँ कि वो बोलेगा मेरे ऊपर चढ़ाई करेगा तो मैं पहले ही जो है वो बोलना शुरू कर देता हूँ, है जी वो रफ लैंग्वेज के साथ, वो गालम गलोच के साथ, ताकि कोई अगला शरीफ आदमी बेचारा कहता है यार छोड़ो इसको दफा मारो मैं किस जो है कोई अपनी गलती को छुपाने के लिए जी जी ये इस तरह का यही सिचुएशन जो है हमारी पॉलिटिकल सतह पे भी जो है वो हो रही है, गालम गलोच हो रही है, एक दूसरे को लोटे मारे जा रहे हैं, लोटे बोला जा रहा है, हाँ जी एक दूसरे के ऊपर इल्जाम तराशियां हो रही हैं। हालांकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन को हम मद्देनजर रखें तो जिसके ऊपर इल्जाम साबित नहीं है, हाँ जी बहतान है, चाहे हम मैं जानता हूं इल्जाम है उसके ऊपर लेकिन इल्जाम साबित नहीं हो रहा, मैं तब भी उसको मुर्दे इल्जाम ऐसे अलल इनाम जो है वो नहीं कह सकता। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा एक गुफ्तगू फरमाई, उसके बाद जो है सहाबी रसूल ने कहा कि अल्लाह के रसूल आपका क्या ख्याल है कि मैं घर जाऊं और अपनी बीवी के साथ किसी गैर मर्द को देखूं और मैं उसके ऊपर चार गवाह लेके आऊं? आपने फरमाया जी हाँ चार गवाह आपको लाने पड़ेंगे। उनका नहीं मैं तो उसे कत्ल कर दूंगा। आपने फरमाया अगर तू उसे कत्ल करेगा तो हम तुझे कत्ल कर देंगे। तो गोया ये है कि आपने देख लिया अकेले लेकिन उसकी शरायत में है कि आप उसके चार गवाह आप अगर करना चाहते हैं, वरना आप उसके ऊपर कोई इकदाम करेंगे तो स्टेट आपको जो है वो आपके ऊपर कद कर। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। अब हम जो है वो इल्जाम साबित नहीं है, हम एक दूसरे को चोर भी कह रहे हैं, डाकू भी कह रहे हैं, जब हमें मफाद पड़ता है तो उसी के साथ कोलेबोरेशन भी कर रहे हैं। समझ नहीं आती किस खिचड़ी में जो है वो हमारी आवाम की जो है वो तरबियत है। वक्त हुआ ब्रेक का, मुझे इजाजत दीजिएगा। नाज़रीन मोहतरम, हम गुफ्तगू कर रहे हैं सब्र तहम्मुल के हवाले से। यकीनन मौजूदा सियासी हालात और हमारे माशरती और समाजी हालात के तनाजुर में बहुत ही अहम मौजू है। इस मौजू पर मजीद भी गुफ्तगू करेंगे डॉक्टर साहब से, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, एक दफ़ा फिर प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। नाज़रीन मोहतरम, ये प्रोग्राम नवाए रमज़ान आरपी न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से और स्टैक ग्रुप ऑफ कॉलेजेस मुल्तान के तआवुन से आपकी खिदमत में पेश किया जा रहा है। नाज़रीन मोहतरम, रमज़ानुल मुबारक के बाबरकत महीने और इफ्तार के इन घड़ियों में हम आज गुफ्तगू कर रहे हैं सब्र तहम्मुल के मौजू पर। मकसद ये है कि हम सब अपनी इसलाह करें और अपने बच्चों को, अपने अजीज़ व अकारीब में, अपने दोस्तों में हमारा जो रवैया है वो आप नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तालीमात और उनकी सुन्नतों के मुताबिक होना चाहिए। नाज़रीन मोहतरम, इफ्तार का वक्त
खूबसूरत औकात में से और दुआ की कबूलियत के औकात में से है। आप अफ्तार के इन लम्हात में जहाँ अपने लिए दुआ करेंगे, वहाँ हमें, हमारे इदारे को, उम्मत मुस्लिमा को और सारे पाकिस्तान को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखें। आइए एक दफ़ा फिर बढ़ते हैं डॉक्टर प्रोफेसर डॉक्टर अकरम हुरैरी साहब की जानिब और उनसे जानते हैं कि सब्र तहम्मुल की प्रैक्टिस मुआशरे में, अपने समाज में हम सब्र तहम्मुल की तरवीज के लिए क्या तरीका कार इख्तियार कर सकते हैं। जी डॉक्टर साहब जी, सबसे पहले तो ये है कि रोल मॉडल जो है वो वालदैन को बनना पड़ेगा, कम्युनिटी को बनना पड़ेगा। जब ये चीज़ें रोल मॉडल के तौर पर आएंगी, और कोई ऐसा मसला नहीं है, हम दुनिया में ऐसी कौमें मौजूद हैं जो जराइम पेशा से ताल्लुक़ रखती थी, जिनकी तशबीह जो है वो दी जा सकती थी कि ये जानवरों जैसी ज़िंदगी गुजारते हैं। आज देखें उनके ऊपर मेहनत की है, उनको लीडर ऐसे मिले हैं और वो कौम जो है वो आज एक बेहतरीन कौम शुमार होती है। मैं ऐसे मिसाल जो है वो दे सकता हूँ मलेशिया की और वहाँ की आवाम की और वहाँ की लीडरशिप की, कि उसके अगर आज 3 या 4 अशरे पीछे चले जाएं, उस कौम का मुताला कर लें और आज जो है उस कौम का मुताला कर लें, तो आपकी आंखें जो है वो खुली की खुली रह जाएंगी कि मेहनत अगर की जाए तो मुआशरे बन जाते हैं, तरबियत हो जाती है, सब्र व तहम्मुल भी आ जाता है और उसकी प्रैक्टिस भी जो है वो आसानी से हो जाती है। आज जो है हमारा मुआशरा जो है वो बड़ा अफरात व तफरीत का जो है वो शिकार है। सब्र व तहम्मुल का होना ये कौमों को बड़ापन देता है। कुरान हकीम में भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जब सब्र का तस्करा फरमाया तो उसके साथ अल्लाह रब्बे करीम ने ये बात अरशाद फरमाई है कि ये बड़े हौसले वालों का काम है। गोया कि सब्र व तहम्मुल ये आम सती लोगों का काम नहीं है, बल्कि उन लोगों का शेवा है जो सब्र से काम लेते हैं। क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अब अम्बिया का तस्करा फरमाया, सुलहा का तस्करा फरमाया, तो उनके सबर का जो है वो तस्करा फरमाया। अय्यूब अलैहिस्सलाम है उनकी बीमारी है, याकूब अलैहिस्सलाम की बेटे की जो है वो दूरी जुदाई है और उसके बाद उनके सबर का जो है वो तस्करा है। यूनस अलैहिस्सलाम का मछली के पेट में जाना फिर बाहर आना, उस अहवाल में हमें सबर की जो है वो तलकीन होती है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए आइडियल शख्सियत है। आपका मक्का का दौर है, आज हम देखते हैं ना कि मैं जी बड़ी एक बड़क लगाते हैं, मैं जी किसी की नजायज बात बर्दाश्त नहीं करता। तो हमारे वो डॉक्टर जावेद साहब हैं जो मोटिवेशन स्पीकर हैं, उनकी ये गुफ्तगू मुझे बड़ी अच्छी लगती है। वे कहते हैं कि आपको नजायज बात बर्दाश्त नहीं करनी, तो आपने करनी कौन सी है? जायज तो हर कोई कर लेता है, असल तो बर्दाश्त तो नजायज बातें ही होती हैं। तो भाई अगर आप मुआशरे का गलत बिहेवियर बर्दाश्त नहीं कर सकते तो आपने फिर क्या बर्दाश्त करनी? तो ये हमारी असल में तरबियत होनी चाहिए कि आप सल्लम का कतक लामे के माजर जाता हूँ, शेबे अभी तालिब में रहना जी जी। किसी को बद्दुआ नहीं, ताइफ का सफर है, मक्का मुकर्मा की जिंदगी है कि आप पर ईमान लाने वाले आप उनको सामने देख रहे हैं कि कुफारे मक्का उनके ऊपर जुल्म करते हैं, हाँ जी, बल्कि वो जुल्म की इंतहा जो शायद ही आप अलैहिस्सलाम के दौर में शायद ही उसकी कोई मिसाल आज तक भी वो दी जा सके। हजरत यासर का खानदान, हाँ जी, उनकी वालदा, उनका बेटा, अल्लाह अकबर, रसूल अकरम खुद देख कर जा रहे हैं कि उनको जो है वो सजा दी जा रही है और उसके बाद रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने ज़माने अक्दस से ये अल्फाज निकाले कि इस्बिरु या आला यासर फइन्ना मौइदकुमुल जन्नत। आज का हमारा कोई फॉलोअर होता है या जिस तरह आज हमारी ईमानी कैफियत है तो हम कहते हैं कि खुद तो बड़े मजे से जो है वो घूम रहे हैं और हम जो है बड़े मुसीबतों का शिकार हुए पड़े हैं, लेकिन क्या है वो हकीकी ईमान था। आजमाइश आई है तो उन्होंने अल्लाह का हुक्म समझ कर उसको बर्दाश्त किया है। अब उसके बाद जब अबू जहल ने हजरत सुमैया रजी अल्लाह तआला अन्हा को जब 2 ऊंटों के दरमियान बांध कर, हाँ जी, उनको चलाना चाहा तो उससे कबल पूछा कि अभी पलटती हो? कहा कैसे पलट जाऊं, अभी तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा के गए हैं कि सब्र कीजिएगा, आपका ठिकाना अल्लाह ने जन्नत में रखा है। तो ये असल में ईमान और उसकी कैफियत है। दूसरी तरफ हमें ये मालूम हो रहा है कि ये ईमान हमें सिखला रहा है कि अगर आप सब्र व तहम्मुल इख्तियार करेंगे तो अल्लाह आपकी मदद और नुसरत फरमाएगा। अब ये बात अल्लाह रब्बुल इज्जत ने एक नहीं कुरान हकीम में कई जगह अरशाद फरमाई है, सब्र के साथ तकवे का जिक्र फरमाया। क्योंकि सब्र, अब इंसान सब्र तो कर रहा है
लेकिन उसके साथ अगर उसकी डायरेक्शन दुरुस्त है तो फिर तो सबर उसका फायदा देने वाला है। अल्लाह ने सबर के साथ तकवे का बार बार देकर इरशाद फरमाया है कि अगर तुम सबर करो और तकवा इख्तियार करो, सबर करो और तकवा इख्तियार करो, जैसा सूरह आले इमरान में। यहाँ पे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने एक बड़ी ही खूबसूरत बात हमारे सामने रखी कि अगर इंसान सबर करे और तकवे वाली जिंदगी इख्तियार करे, यानी बेसबरा ना हो जाए, हाँ जी, और अल्लाह के अहकामात को छोड़ ना दे, उसकी हदूद व कयूद को क्रॉस ना करना शुरू कर दे, तो अगर मुत्तकी होके सब्र व तहम्मुल वाला रवैया इख्तियार करता है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया है कि ला यज़ुर्रुकुम कैदुहुम शैया, फिर आपके मुखालिफिन चाहे लाख जोर लगा लें आपको नुकसान पहुंचाने का, आपको कभी नुकसान नहीं पहुंचा सकते। और यही वजह है कि आप अलैहि सलातो सलाम की जिंदगी, उन्होंने आपको खत्म करना चाहा, फतह अपना गज़वे बदर होती है, फिर उहद होती है, हाँ जी, उसके बाद मजीद जो है वो जंगें होती हैं, लेकिन उनकी सारी कोशिशों के बावजूद वो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुख्तसर जत्थे को ख़त्म करने के दर पे थे, और ये जत्था बढ़ता बढ़ता बढ़ता, हाँ जी, दुनिया के कौनो अरब में जो है वो फैल गया। ये है सबर के फवायद और उसके समारा। बहुत शुक्रिया। और यही हमारी जो है वो घरेलू जिंदगी जो है, अगर हम वहां पे इसको इम्प्लाय करते हैं करें तो बड़ी ही माजरत के साथ आपका वक्त जो है वो खत्म होने को है। आज हम अगर 2 या 4 दिन जो है हमारे गुजर जाए और कोई लड़ाई गली मोहल्ले में देखने को ना मिले तो हमें ताज्जुब होता है कि ये लड़ाई क्यों नहीं हुई। यही अहवाल जब मैं एक दफा मलेशिया गया तो वहां मुझे वहां रहे हुए 2 महीने गुजर गए, तो मैंने अपने साथ जो है मेरे मकान पे एक दोस्त रहते थे, उनसे पूछा यार यहाँ लोग लड़ते नहीं है। वो कहते नहीं, मैं तो साल हो गया यहाँ रहता, मैंने कभी नहीं देखा लड़ते हुए किसी को, तो आप कैसे देख लेंगे? हम तो दिन में, तो मैं बड़ा हैरान हुआ कि यहाँ लोग लड़ते नहीं, छोटी छोटी बातों पर हमारा लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है। और वहां जो है, अच्छा, मजे की बात कि जितना तहम्मुल और बर्दाश्त मैंने उन लोगों का देखा है, इतना मैंने दुनिया के किसी हिस्से में नहीं देखा। पहले उनको देखने दो गंवार और जाहिल थे, और आज नजर से एक सफरनामा गुजरा, वो गालबन गैर मतबूआ सफरनामा था। एक मेरे दोस्त हैं, उनके दादा जान ने सफर किया आज से कोई 35-40 साल पहले, तो उन्होंने अपनी याददाश्तें तहरीर की एक डायरी की सूरत में सारी। तो वो मलाइशा का जो सफर था वो जा बजा उसमें मैंने देखा यही तस्करा है कि गंदे नाले और कीचड़ और फटे पुराने कपड़े और मच्छरों जैसी जिंदगी जैसी जो है वो इंतहाई गुर्बत पर मुश्तमिल जिंदगी। लेकिन आज देखने मलाइशा जो है वो उसका इसलिए एक ज़र्बुल मिसल है, उसमें जो है वो कहा जाता है कि जिस तरह के आपके हुक्मरान होंगे वही तर्ज अमल नीचे आएगा। सही, दयानतदार हुक्मरान आ जाते हैं तो दयानतदारी नीचे तक आएगी, शर्म हया वाले हुक्मरान आ जाते हैं तो शर्म हया वाला रवैया। डॉक्टर साहब, आपकी एक बार फिर कदाकरामी हो रही है, मैं शर्मिंदा हूँ इस पर। नहीं, कोई बात, प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम की जानिब है, इफ्तार का वक्त करीब है। मैं गुजारिश ये करना चाहूँगा, अभी ये जो बात हो रही थी कि सब्र जो है हम अपनी नस्लों को, बच्चों को, अपने घर में, मौसम में प्रैक्टिस कर सकते हैं, जैसे आपने फरमाया कि इसका जाहिर है अव्वलीन जो रोल मॉडल है वो तो वालदैन हैं। जी, अच्छा, मैं दरअसल मेरा दिल जो है आजकल जो हालात है पाकिस्तान के, और जिस तरह अभी पंजाब असम्बली में भी जो कुछ हुआ, उससे पहले कौमी असम्बली में, तो मेरा दिल बड़ा दुखी है इस पर। आप नहीं समझते, और जो अभी आपने फरमाई ये बात कि हुक्मरानों के किरदार का भी असर पहुँचता है, तो क्या हुक्मरान भी पूरी कौम के वालदैन की हैसियत नहीं रखते, यानी पेशवा की हैसियत रखते हैं? और आज तो बहुत ज़्यादा तकसीम जो किसी ज़माने में शायद मुझे ये महसूस होने लगा है कि आज से 10-15 साल पहले हमारे बचपन में जो हम महसूस करते थे कोई मजहबी तकसीम, उस हवाले से कुछ दिल को इत्मीनान होने लगा था, कुछ लोगों में कुछ बर्दाश्त और एक दूसरे को कबूल करने का हौसला पैदा हुआ था, वो अब कन्वर्ट हो गया है इस सियासी तकसीम की तरफ। उलमा के तहम्मुल और बर्दाश्त की वजह से मैं समझता हूँ कि इस वक्त मजहबी जुनूनियत, जिसकी बुनियाद पर कत्ल गारत होती थी, लड़ाई झगड़े हुआ करते थे, हाँ जी, एक दूसरे के साथ कता तालकी हुआ करती थी, दोस्त से दूर हो जाते थे, अब देखिए मुख्तलिफ मकातब फिक्र के लोग एक ही टेबल पे बैठ के खाना खा रहे होते हैं, एक ही जगह चल रहे होते हैं, लेकिन इस वक्त सियासी जुनूनियत ने बहुत ज्यादा। आप नहीं समझते कि ये हमारे हुक्मरानों का काम है, चाहे वो हुकूमत में है चाहे अपोजिशन में है, उनके लाखों की तादाद में फॉलोवर्स हैं, उनको कुछ सिखाया जाए, बतलाया जाए। देखिए, एक हुक्मरान लाखों के मजमे में कोई वादा करता है कौम से, और जब उनको गवर्नमेंट मिलती है, हुकूमत मिलती है, फिर वो अपने वादे से है नहीं, बिल्कुल एग्जिट फिर जाता है, तो आप क्या समझेंगे कि उसके नतीजे में जो कौम है वो क्या क्या करेगी?
उन्होंने भी तो वही ट्रिक सीखने हैं ना। अगर घर में वालदैन अगर बाहर से आने वाले किसी को नॉक करने पे बच्चे को कहेंगे कि जाके उनको कहिए कि बाबा घर नहीं, नहीं है, तो क्या बच्चा बड़ा होके वो सच बोलेगा? नहीं बोलेगा ना। जो उसने रवैया यहाँ घर से देखा है वो उसने बाहर इम्प्लीमेंट करना है। इसी तरह जो हमें ऊपर से नजर आ रहा है, देखें सारी चीजें किताबी नहीं होती, कुछ चीजें ऐसी हैं बल्कि कुछ नहीं, इंसान की तरबियत का जो ताल्लुक है वो मुशाहदात के साथ है। जो वो देखता है वो उसी से ज्यादा सीखता है, और वैसे भी किताब से पढ़ा हुआ उसकी निस्बत जो समय और बसरी तरीके से वो देख और सुन के जो है वो सीखता है, वो किताब से पढ़े हुए की निस्बत दो गुना ज्यादा होता है। जज़ाकअल्लाह डॉक्टर। नाज़रीन मोहतरम, हम आज के प्रोग्राम में गुफ्तगू कर रहे थे सब्र तहम्मुल के हवाले से। दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे, आपको, हम सबको अपनी ज़िंदगियों को अपने प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके और उनकी सुन्नतों के मुताबिक ढालने की तौफीक अता फरमाए। इफ्तार का वक्त है, आइए डॉक्टर साहब से गुजारिश करते हैं कि उनके साथ हम सब अल्लाह की बारगाह में अपनी गर्दनें झुकाकर और झोलियाँ फैलाकर हाजिर होते हैं। ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمين يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما آمين اللهم انصرنا من نصر دين محمد واخذل من خذل دين محمد اللهم لا تسلط علينا من لا يرحمنا اللهم لا تسلط علينا من لا آمين اللهم لا تسلط علينا من لا يرحمنا آمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم آمين يا رب العالمين